काफी टाइम पहले मैंने एक एनिमे सीरीज के बारे में सुना था, मुझे उसकी कहानी काफी ज्यादा पसंद आई थी, लेकिन मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा था कि वो एनिमे सीरीज कौन सी है। तो एक सब्सक्राइबर हैं ऋषभ रस्तोगी, उन्होंने बाय चांस किसी वीडियो के ऊपर उसी सीरीज के बारे में जिक्र कर दिया कि भाई इसका रिव्यू करो। जब मैंने उसके बारे में सर्च किया तो पता चला कि यार ये तो वही सीरीज है जिसको मैं ढूंढ रहा था। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा एनोहाना, शायद मैंने नाम सही से लिया हो, द फ्लावर वी सो दैट डे एनिमे सीरीज के बारे में। टोटल इस सीरीज के अंदर 11 एपिसोड हैं और हर एपिसोड की जो लेंथ है वो तकरीबन 23 मिनट के हैं, अगर आउट्रो इंट्रो हटा दो तो 19 मिनट का एक एपिसोड बन जाता है। और इसकी एक मूवी भी आई हुई है, खैर मैंने मूवी नहीं देखी है, सिर्फ और सिर्फ सीरीज देखी है, तो इसके बारे में ही बात करेंगे। अब इस एनिमे सीरीज की कहानी की चर्चा कर लेते हैं। 6 दोस्त होते हैं, उन 6 दोस्तों में से एक जो एक लड़की होती है छोटी, स्टार्टिंग में छोटे बच्चे होते हैं, तो उनमें जो एक बच्ची होती है उसकी डेथ हो जाती है, जिसका नाम होता है मैंने नाम लिख रखा है। तो जब इसकी डेथ हो जाती है तो सारे ये जो बच्चे होते हैं इनके ऊपर इसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है, ये सारे अलग हो जाते हैं। जब तक ये बड़े होते हैं, 5 साल बीतते हैं, तो बहुत ज्यादा इनके बीच में दूरियां आ जाती हैं, कोई किसी से बात नहीं कर रहा है। तो एक टाइम आता है, ट्विस्ट आता है एक तरीके का, कि मैनमा की आत्मा इन 5 बचे दोस्तों में से एक लड़के जिनतान को दिखाई देनी स्टार्ट होती है। और मैनमा जिनतान को कहती है कि शायद उसकी कोई एक इच्छा रह गई होगी जो पूरी नहीं हुई है, तो उसे पूरी वो करे, मतलब जिनतान करे बाकी अपने दोस्तों के साथ मिलकर। अब मैनमा को खुद भी नहीं पता होता कि उसकी क्या इच्छा, वो याद करने की कोशिश करती है लेकिन उसे पता नहीं चल रहा कि उसकी इच्छा कौन सी है। तो यहां पर जिनतान जो है अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसकी इच्छा को ढूंढने की कोशिश करता है, उसे पूरा करने की कोशिश करता है। तो आखिर मैनमा की इच्छा क्या है, वो केवल जिनतान को ही क्यों दिखाई दी, बाकी के 4 दोस्तों को क्यों दिखाई नहीं दी, अब ये सारे के सारे दोस्त वापस एक साथ कैसे आते हैं, इनके बीच की दूरियां कम कैसे होती हैं, मैनमा हेल्प कैसे करती है, तो इन सारे सवालों के जवाब आपको जानने हैं तो आपको ये एनिमे सीरीज देखनी होगी। और केवल यही नहीं है, इसके अलावा और भी चीजें इस सीरीज के अंदर दिखाई गई हैं, जैसे एक लव एंगल भी इसमें देखने को मिलता है, इमोशनल भी हमें ये कर देती है। और जो मैनमा की जो भूत है वो कोई डरावना नहीं है, वो बहुत प्यारा है, बहुत अच्छी भूत है, मतलब बहुत हंसाती भी है, एक पूरी कॉमेडी सीरीज भी एक तरीके से देखो तो इसमें कॉमेडी भी अच्छी खासी की गई है। अब जैसे मैंने कहा इसके अंदर 11 एपिसोड है, इसके शुरुआत के 6 एपिसोड मुझे काफी ज्यादा अच्छे लगे, जिसके अंदर जिनतान जो है वो अपने दोस्तों को बताता है कि भैया उसे मैनमा की आत्मा दिखाई दे रही है, उसकी इच्छा पूरी करने की कोशिश करता है। तो इस यहां पर एक जो मुझे बुरी चीज ये लगी कि जिनतान जैसे बताता है अपने दोस्तों को कि मुझे मैनमा की आत्मा दिख रही है, वो स्टार्टिंग में तो देखो कोई बिलीव करता है नहीं, लेकिन काफी सारे एपिसोड बीत जाने के बाद मैनमा कोई चीज उठाती है गिराती है, तब उनको यकीन होता है कि हाँ भाई मैनमा यही है, मतलब उनको दिखाई तो नहीं दे रही, जैसे कोई चीज उठा के फेंकेगी तो लगेगा कि किसी ने तो उठा के फेंकी है। तो जब जिनतान कहता है कि मैनमा ही कर रही है, तो तब जाके उसके दोस्त उसके ऊपर बिलीव करते हैं इतने सारे एपिसोड बीत जाने के बाद, अरे भाई पहले ही कर देती वो चीजें ताकि उस पर यकीन कर लेते, चीजें आगे बढ़ जाती, स्टोरी आगे दिखा देते। और जो बाकी बचे 5 एपिसोड हैं 11 एपिसोड में से 6 की मैंने बात करी जो काफी इंटरेस्टिंग है, और जो बाकी बचे जो 5 एपिसोड हैं उसके अंदर लास्ट का एपिसोड हटा देते हैं, यानी 11th एपिसोड की साइड में बात करें, जो इमोशनल कर देते हैं, जिसके अंदर रियल रीजन पता चलता है कि मैनमा सिर्फ जिनतान को ही क्यों दिखाई दे रही है, उसकी आखिरी इच्छा क्या थी, और वो बाकी के 4 दोस्तों को क्यों नहीं दिखाई दे रही थी, तो ये हमें 11th एपिसोड के अंदर पता चलता है, जो इमोशनल भी कर देता है। बाकी जो बच गए 4 एपिसोड, तो वहां पर हमें स्टोरी नीचे जाती हुई दिखाई देती है, इसकी कहानी इतनी अच्छी नहीं लगती, इतनी इंगेजिंग नहीं होती है, मतलब इंटरेस्ट कम होता चलता है। कि अब वहां अगर आप ध्यान से देखो तो स्टोरी में ज्यादा कुछ इंक्रीज नहीं किया गया, वो खींची हुई स्टोरी लगती है उन 4 एपिसोड के अंदर। अब इन 4 एपिसोड के अलावा एक चीज जो मुझे कमी और लगी इस सीरीज के अंदर, कि ये जो मैनमा है बाकी के 4 दोस्तों को तो दिखाई दे नहीं रही, अब इसको कोई भी चीज अपने दोस्तों को अगर देनी होती है तो ऑब्वियसली वो उनके सामने तो ऐसे रिप्रेजेंट होगा ना कि हवा में उड़ के आ रही है, लेकिन जिनतान की दृष्टि से देखें, मतलब उसकी नजरों से देखें, तो मैनमा ने वो चीज पकड़ी हुई होती है। फॉर एग्जांपल जैसे ये पेन है, अगर ये पेन मैं ऐसे दे रहा हूं तो किसी को दे रहा हूं, तो अगर मैं किसी को दिखाई दे रहा हूं तो पता चल रहा है कि मैं दे रहा हूं, क्या बोल रहा हूं मैं समझो उस सीरीज के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूं, कि जिनतान को तो दिखाई दे रहा है कि मैनमा अपने दोस्तों को कोई चीज दे रही है, लेकिन उनके दोस्तों को तो लग रहा है ना वो चीज हवा में उड़ के उनके पास आ रही है, ऑब्वियसली ऐसा तो होगा ही,
खैर मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं अच्छे से, तो वहां पर वो चीज नहीं दिखाई गई। मतलब एक तरीके से हमें सिर्फ और सिर्फ जिनतान की ही नजर दिखाई जाती है कि म्यांमार उनको चीज दे रही है। अरे एनिमेशन है, उसको अच्छे से यूज करो यार, हमें उड़ती हुई चीजें दिखाओ थोड़ा बहुत, ताकि हमें लगे कि यार हाँ यहाँ पर भूत है, और उनका रिएक्शन देखने को मिले, जो बाकी के जो दोस्त हैं उनका रिएक्शन देखने को मिले। लेकिन ये वाली चीज मिसिंग लगती है। मैंने पूरी कोशिश की आप लोगों को समझाने की, समझ आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो कोई बात नहीं, जब ये सीरीज देखोगे तब समझ आ जाएगा। तो ये देखो यार, ये थोड़े बहुत चार एपिसोड और ये वाली छोटी चीज म्यांमार पहले बता देती, तो इनके अलावा अगर इनको साइड में हटा दें तो सीरीज काफी अच्छी है। अच्छा लगता है कि हमें एक जर्नी देखने को मिलती है, दोस्तों के आपस में मिलते हैं, लव एंगल देखने को मिलता है। अब यहां पर जो जिनतान है वो कैसे अपने आप अपने डर से बाहर आता है। अब अपने डर से बाहर क्यों आता है उसका भी एक रीजन इसके अंदर दिखाया गया है। अपने आप को सिर्फ और सिर्फ घर में रख रहा है, बाहर नहीं जाता है, तो कैसे अपने डर पे काबू पाता है, अपने दोस्तों से मिलना शुरू करते हैं, तो ये चीज अच्छी लगती है वहां पे देखने पे। शुरुआत का तो यार काफी अच्छा है। अब इसके अंदर दो करेक्टर मुझे काफी पसंद है, एक तो म्यांमार का, वो बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है, बहुत मतलब फनी है। दूसरा उससे भी ज्यादा फनी है पोपो नाम का एक करेक्टर है, वो तो भाई साहब पागल आदमी है, मतलब इतना बढ़िया लगा मुझे उसे देखकर। अब जो दोनों आपस में बात करते हैं, एक दूसरे से शरारतें करते हैं, तो वो काफी अच्छा लगता है। तो मेरी तरफ से इस सीरीज को मैं देना चाहूंगा 6.5 out of 10। अगर आप लोगों ने ये सीरीज देख रखी है तो प्लीज कमेंट करना कि आप लोगों को ये सीरीज कैसी लगी। अगर इसकी मूवी देख रखी तो उसके बारे में भी बताना कि भाई वो कैसी है, उसको देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए। खैर मैं सोच तो रहा हूं थोड़ी सी देर की एक वीडियो व्यूअर बन जाए करके, जिन्होंने नहीं देखे तो जाकर देखो, एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा इसको देखने में। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।